जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से भी एक लॉन्ग बोर्ड पेपर में आता है। तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नहीं है क्योंकि राइट साइड पे 7x है। तो आप इस तरह करें कि यहाँ पे सिर्फ 0 लगाएं, पहले आप वो लिखें जो राइट साइड पे है 7x, फिर कॉपी करते हैं तो ये प्लस 2 है कि माइनस 2 होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है इधर आगे प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसको तरतीब में लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एक्स स्क्वायर लिखें फिर प्लस 7x लिखें और माइनस 2 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर उसके बाद इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस। जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास a होता है और जो x का कोएफिशिएंट है वो आपके पास b होता है, और ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम c कहते हैं। फिर लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए और नीचे लिखेंगे 2। तो ये आपको दोबारा याद होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए अंडर रूट। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी बात बार पूछ लिया जाता है और बात एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये दुबानी याद होना चाहिए। जब तक आप क्वाड्रेटिक फार्मूला याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। ये फार्मूला लिखा है, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू पहले माइनस लिखें, b आपके पास क्या है 7, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट है, फिर b का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए सी माइनस 4 ए आपके पास है 1 और सी है आपके पास माइनस 2 और नीचे आएगा 2 ए आपके पास है 1। तो आपने क्या किया कि जो फॉर्मूला पहले हमने लिखा था तो वन याद करके फिर इसमें वैल्यू का आपने पुट कर दी, माइनस 3 माइनस 7 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी और। अब आपने इसको आगे सिंप्लीफाई करना फर्दर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 7 एज इट इज आएगा, माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 का 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8 और नीचे 2 1 का 2 होता है, फिर लिखेंगे माइनस 7 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस कर दें तो ये होगा 57 और नीचे आएगा 2। तो 57 जो है जब आप इसका स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो ये क्वांटम वैल्यू आ जाएगी, अगर जिसमें क्वांटम वैल्यू आ जाए तो वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है और सम टाइम हम कहते हैं इसके फैक्टर बना देते हैं। तो यही इसका आंसर है, सॉल्यूशन सेट एस एस होता है सॉल्यूशन सेट और ये होगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने इस तरह याद करना है, बाकी इसके सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो इनमें से एक दो मैं आपको और करवा देता हूँ। सेकंड वाला पार्ट आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, थर्ड वाला पार्ट मैं आपको करते हूँ।
इसका जो थर्ड पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 3x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 4√2। तो आपने पहले इसको देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि प्लस 4√3 साइड पे, तो आपने इधर ले आना है। तो पहले लिखेंगे √3x² प्लस एक्स, इधर आके ये क्या होगा माइनस का, −4√3 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे आपने लिख दिया तो a आपके पास होगा x² का कोफिशिएंट, वो क्या है √3, और b x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ b आपके पास 1 है, और c आपके पास होगा −4√3। उसके बाद बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है x = −b + −√2 अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस बी आपके पास क्या है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4। अब ए आपके पास है √3 और बी आपके पास है −4√3 और नीचे आएगा 2 × √3। अब आप क्या करेंगे, इसको −1 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 4 × 16 और √3 का स्क्वायर। आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 16 होता है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, इसका स्क्वायर होगा और नीचे आएगा 2√3। उसके बाद −1 + −√1 + √2 उससे कैंसिल हो जाएगा, 6 का क्या होता है 8 होता है, और नीचे आएगा 2√3 −1 + −, ये होगा 19। और 3 अभी आएगा, ये 16 है, और 16 3 का होता है 48, और ये होगा 49। नीचे 2√3 ऐसे लिखेंगे, −1 + −, ये होता है 7, नीचे अगर 2√3। अब यहाँ पे x = −1, पहले 10 के साथ वैल्यू ले आप, फिर यहाँ पे और लिखें, और नेक्स्ट आप इसको माइनस के साथ लें, −1 − 7/√3। 7 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे आता है 6/√3। इसी तरह यहाँ पे आएगा −8/√3। 2√3 = 6 होता है, ये प्रॉपर्टी है, अगर नीचे स्क्वायर रूट हो ऊपर के नंबर वो सेम हो तो हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर रूट कर देंगे, और 2 4 है −4/√3। इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा SS वो होगा √3 और −4/√3। ये आपका आंसर है। रिमेनिंग इसके जो पार्ट हैं, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने 4 पार्ट भी खुद से करना है, 5 पार्ट भी करना है, 6 पार्ट भी करना है आपने, और बाकी जो इसका फर्दर रहेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। तो
पार्ट नंबर 6 तक आपका होमवर्क है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छेड़ ना करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।